दोस्तों, इस हमारे कैमरे में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अभी कैमरा चालू है सब कुछ, लेकिन ये फुल चार्ज नहीं हो रहा है। तो और जो चार्ज में लगाता हूँ बहुत तेज़ गर्म होता है और बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं होती, जब काफ़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। उसके बाद ये 1.2 पॉइंट बैटरी शो करता है। अभी इसको मैं ओपन करता हूँ, इसकी शॉर्टिंग चेक करूँगा एक बार, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ, नहीं तो फिर मुझे नया कैमरा ही ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि इसे मान ही लेंगे कि अब ये किसी काम का नहीं है। तो बहुत गर्म भी हो जाता है, और क्या है कि एक्शन कैमरा जैसे मान ली कहीं पे लगा के बाइक वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो काम ही नहीं करेगा, तो फिर क्या मतलब, मेरा टाइम भी ख़राब हो जाएगा, बंद हो गया कभी अचानक से। तो अभी इसको ओपन करते हैं। वैसे एक वीडियो मैंने बनाया था इसकी बैटरी रिपेयर करने का, इसकी पिछली बार आप सभी लोगों ने देखा होगा। आज मैं इसकी शॉर्टिंग ढूंढना चाहता हूँ और ढूंढूंगा कि यहाँ कहाँ पे शॉर्ट है, किस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसको सामने तरफ से खोलते हैं और यहाँ पे कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, उन्हें ओपन कर लेते हैं। जैसे कनेक्टर वाली LCD स्क्रीन लगी हुई है, जैसे ऐसे मैं रिमूव कर लिया। कम्युनिकेशन CPU लगा हुआ है। मैं पता नहीं क्या चीज़ बहुत ही तेज़ गर्म होती है जब मैं इसे चार्ज पे लगाता हूँ, तो मैं कहा इसे चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इसे यूज़ करने में चलाने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कभी कभी लगता है यूज़ ही ना करें, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। यहाँ पर इसका कोई सर्विस सेंटर भी नहीं है, इसके लिए मुझे खुद ही इसको रिपेयर करना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं खुलने के बाद कुछ इस तरीके से है। पूरा स्क्रीन वाला हिस्सा इस तरफ है, फ्रंट स्क्रीन, मेन स्क्रीन कहा जाएगा, उसके सारे कनेक्टर्स हैं, बटन्स के, डिस्प्ले के और बैटरी का भी। अब डिस्प्ले जो प्रॉब्लम है वो मेरे को बैटरी में फेस हो रही है, बैटरी मेरी चार्ज नहीं हो रही। बैटरी का कनेक्टर आप लोग देख सकते हैं ये लगा हुआ है, और ये ऑन करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसका स्पीकर है ये भी बहुत खरखराता है, साफ़ आवाज़ नहीं आती कुछ सुनते उनते हैं। तो इनमें दो दो माइक लगे हुए हैं, एक माइक ये है, एक माइक ये है, टाइप सी चार्जर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको रिपेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसको खोलना ही काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही यूनिक और अलग काम होता है। ऐसे किसी को ये कैमरे का सेक्शन है, कैमरे का काफ़ी सेफ्टी के साथ बनाया गया है, क्योंकि मेन तो कैमरा ही है। अब इसकी बोर्ड की कंडीशन देख कर यहाँ कुछ जला वाला दिख नहीं रहा है, कुछ जला बोल, इसका शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, शॉर्ट तो नहीं है कोई हिस्सा। ये इधर प्लस का निशान बना हुआ है, तो ये प्लस है, ये माइनस जो ग्राउंड से आ रहा है, ये DSI है, बैटरी सप्लाई, ग्राउंड बराबर है, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कहा जाए तो। आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर में
बिल्कुल भी सॉर्टिंग नहीं बता रही है। अब मैं इसका चेक करना पड़ेगा इसका करंट। आप लोग देख सकते हैं वोल्टेज बराबर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, मतलब कि जितना अविश्वसनीय है। और अभी तो बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल मान जाते हैं। क्या तकलीफ है भाई, तो वीडियो बनाने लगो तो रात में बैठे जाते हैं सारे कुछ करो। एक्चुअल में मैं भी इसका सारा कुछ चेक कर डाला, सॉर्टिंग चेक किया, वोल्टेज चेक किया, आप लोगों ने देखा। और ये जब बोर्ड पीसीबी निकाल के मैं बैटरी इसके लगाए हुआ था तो बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही थी और सब कुछ सही था, लेकिन उस चक्कर में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल चुकी है, ये प्रॉब्लम का फाइनली मुझे ऐसा पता चल चुका है कि किस वजह से हो रही है ये प्रॉब्लम। एक्चुअल में जो हुई है वो बैटरी जो अपन लोगों ने रिपेयर की थी, चेंज की थी, सही एम्पियर की बैटरी नहीं मिल पाई, नहीं लग पाई थी सही वोल्टेज की, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। और मुझे जो दूसरी बैटरी मिली है वो भी कॉपी और लोकल बैटरी मिल गई थी, जिस वजह से इस पूरी समस्या की इसकी जड़ है। तो अगर इसकी सर्विस सेंटर से ओरिजिनल बैटरी इस्तेमाल करके देखी जाए तो आई थिंक कि 90% चांस है कि बैटरी की प्रॉब्लम थी और ये कैमरे की सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी और ये कैमरा भी सही होकर फिर से उसी तरीके से वर्क करने लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करेंगे। वैसे आप लोगों ने इस कैमरे को ओपन कैसे करते हैं, इसमें माइक कौन सा यूज़ किया गया है, कैमरे का लेंस कौन सा है, सीपीयू कौन सा है, बाकी सब चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली है।